जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंपॉर्टेंट वीडियोस में। और इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक का। विषय रहेगा हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। कुछ विश्वविद्यालयों में इसे फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि शिक्षा का फिलोसॉफिकल दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो आज का जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य रहने वाला है, फिलोसफी रहने वाला। तो हम इसमें समझेंगे फिलोसफी के बारे में कि फिलोसफी कहते किसे हैं, फिलोसफी का मतलब क्या होता है और फिलोसफी का एजुकेशन के साथ क्या संबंध है। साथ ही साथ दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, उसका ये है दोस्तों, शिक्षा दर्शन में तीन प्रमुख फिलोसोफर, तीन प्रमुख दार्शनिक जो हमारे रहे हैं हमारे देश के, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। तो इन तीनों के शिक्षा दर्शन से अक्सर सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या करिए, इनके शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करिए। तो हम इसमें देखेंगे क्या इन तीनों महान फिलोसोफर के शिक्षा दर्शन, इन्होंने शिक्षा को अपने शब्दों में कैसे बताया, इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, इनके अनुसार शिक्षा का महत्व क्या है, इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इनके अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पहले दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं शिक्षा दर्शन से और समझने की कोशिश करते हैं कि दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी, फिलॉसफी से बनता है फिलॉसफर। फिलॉसफर का मतलब वो जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहता है, ज्ञान के प्रेम में रहता है, इसीलिए इन तीन महान व्यक्तियों को फिलॉसफर कहा गया। अब देखिए, जो दर्शन शब्द है वो अंग्रेजी फिलॉसफी का रूपांतरण है, फिलॉसफी का ट्रांसलेशन है। और जो फिलॉसफी वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफियो से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है लव यानी कि प्रेम और सोफियो का अर्थ होता है ऑफ विजडम। इस प्रकार फिलोसफी दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान से प्रेम, यानी कि हमें जानना है, हमें सीखना है, हमें सोचना है कैसे। दार्शनिक का मतलब, क्योंकि कोई विचारधारा, हम ईश्वर को मानते हैं, क्यों मानते हैं, ईश्वर को मानने का सही तरीका क्या है, ईश्वर से हमें क्या प्राप्त है, ईश्वर को से की शक्तियों से हम कैसे प्रभावित हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को, ज्ञान की खोज करना दोस्तों, ज्ञान से प्रेम करना, ज्ञान के सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने की सोच फिलोसफर्स की होती है। और इसी शब्द को हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब सोच, देखना, समझना, ठीक है। तो फिलोसफी का मतलब होता है ज्ञान से प्रेम, लव ऑफ विजडम। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इन्हें दर्शन का शिक्षा में प्रयोग कर लीजिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई का रियल मकसद क्या है, इस पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस पढ़ाई को हम और कैसे बता सकते हैं, इसी दार्शनिक विचारों का शिक्षा में प्रयोग क्या कहलाता है भाई, शिक्षा दर्शन कहलाता है। तो देखिए, शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधित समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। बात समझ में आ गई, दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर। यह एक प्रयुक्त दर्शन है जब हम विशुद्ध दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का, विशुद्ध दर्शन के आधारभूत जो भी दर्शन है उनके आधारभूत कॉन्सेप्ट को, उनकी सिद्धांतों को, उनके विचारों को शिक्षा में प्रयोग, सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात। दर्शन पहले समझिए क्या है, दो चार शब्दों को बस समझना है। दर्शन का मतलब लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम। अब उस ज्ञान से प्रेम का शिक्षा में इस्तेमाल, उन्हीं दर्शन के संप्रत्ययों को, दर्शन के कॉन्सेप्ट को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर दीजिए तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, शिक्षा दर्शन कहलाता है। यहाँ तो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब आइए कुछ और पॉइंट देखें। दर्शन एवं शिक्षा में सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया जाता है उसे पाठ्य वस्तु शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है। वही कहा ना, जैसे शिक्षा की कोई समस्या है उसको दर्शन के आधार पर उन समस्याओं को आपने हल दे दिया, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, शिक्षा दर्शन कहते हैं। दर्शन जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है और उसके लिए जो समाधान दिया जाता है उसे शिक्षा, उस शिक्षा उसे व्यवहारिक रूप देती है। तो ये हो गई बात शिक्षा और दर्शन की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपसे पूछा जाता है, वो क्या है दोस्तों, शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या। देखिए, दर्शन हमारी एक सोच है, हमारी एक विचार है और शिक्षा क्या करती है, उस दर्शन सोच को आगे बढ़ाती है, ठीक है। शिक्षा में उस दर्शन का प्रयोग करके और हम क्या करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चीजों को जानेंगे, पहले आइए देखते हैं शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है, इसको किस प्रकार से लिखना है। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा उचित मार्ग प्रदर्शित करती है। समझ में आ गई बात। से दर्शन क्या भाई, दर्शन हमने सोचा हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, शिक्षा देंगे, शिक्षा के माध्यम से बताएंगे कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा दोस्तों, दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो शिक्षा भी दार्शनिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखती है। अब देखिए, पैट्रिज के शब्दों में गंभीर अर्थ में यह कहना कि बिल्कुल उचित है
कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन पर शिक्षा भी आधारित है। समझ में आ गई बात? ठीक है, जिस प्रकार जैसे आपकी शिक्षा होगी उसी हिसाब की सोच होगी, और जिस हिसाब से आपकी सोच होगी उसी हिसाब से आपकी शिक्षा होगी। तो यह शिक्षा और दर्शन के संबंध। कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक समय महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए, जैसे प्लूटो, सुकरात, लॉ, कॉमिन्स, रूसो, गांधी जी, टैगोर आदि उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सभी दार्शनिकों को अपने अपने दर्शन का क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ा। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से ही इन्होंने बताया कि कैसे सोच हमें बनाना है। ठीक है, अब आइए चौथा देखिए। शिक्षा के दार्शनिकता दर्शन को व्यवहारिकता में परिवर्तन करती है। वही बात है ना, जो आपकी सोच है उसको व्यवहार में कौन परिवर्तन करेगा? वो है शिक्षा परिवर्तन करेगा। शिक्षा का कार्य क्योंकि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है, इसीलिए एडम्स का यह कथन सही है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, उसको वास्तव में अगर गत्यात्मक गति मिलाना है, व्यवहार मिलाना है, इमोशंस मिलाना है, तो उसके लिए शिक्षा क्या है भाई, जरूरी है। शिक्षा शास्त्रियों के समक्ष समय समय पर अध्यापन के समय अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। वह उसे सुलझाने के लिए दार्शनिक सहारा ढूंढते हैं जब तक दर्शन के नए शिक्षा दर्शन का जन्म देते हैं। मतलब शिक्षा की भी समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसका पढ़ने में मन नहीं लगा, या फिर कोई बच्चा है जो ऐसे समाज से आता है जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका पढ़ाई में मन, अब वहाँ पे आप दर्शन का इस्तेमाल करिए, कैसे उसके साथ सहानुभूति के साथ, कैसे उसके साथ खेल के साथ, कैसे उसके साथ व्यवहार के साथ, हम उसको सामाजिक शिक्षा के साथ उसको शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग और दर्शन का शिक्षा के द्वारा स्थानांतरण, शिक्षा के द्वारा बढ़ावा, यही क्या दोस्तों, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ तक बात हो गई शिक्षा और दर्शन। एक शब्द देख लीजिए जो हमेशा कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि शिक्षा दर्शन। देखिए रॉस के शब्दों में दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमेशा सवाल पूछा जाता है, कई कई बार ये जैसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू है, किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। विचार आपके दर्शन और क्रिया आपकी शिक्षा। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, जबकि शिक्षा द्वारा उसे व्यवहारिक रूप दिया जाता है। दर्शन के अनुसार आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण कर लेंगे, शिक्षा प्रक्रिया का निर्माण कर लेंगे, शिक्षण विधि का निर्माण कर लेंगे, और शिक्षा के द्वारा उस दर्शन का क्या करेंगे, व्यवहार में परिवर्तन करें। बात समझ जाएगी, दो पॉइंट में समझ जाएगी। दर्शन क्या है भाई, लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम। शिक्षा क्या है भाई, शिक्षा दर्शन क्या है भाई, उसी दर्शन का शिक्षा में प्रयोग। अभी दोनों के संबंध की बात करें तो दर्शन हमारा विचार है, दर्शन हमारी सोच है, दर्शन से हम पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं, दर्शन से हम शिक्षण विधि प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षा क्या है भाई, शिक्षा उस दर्शन को व्यवहारिक रूप दे सकती है, शिक्षा उस दर्शन को क्रियान्वित कर सकती है, शिक्षा उस दर्शन को, उस सोच को, उस विचार को, उस उद्देश्य को आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा क्या करती है, व्यवहार के रूप में ढाल सकती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई तो यहाँ तक आप आराम से पॉइंट वाइज लिखेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे एक एक करके दार्शनिकों के विचार। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, दर्शन का मतलब कोई जरूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वही सोचें। मैं मानता हूँ कि शिक्षा से हमें सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना है, आपको ये लगता है नहीं, शिक्षा से हमें आध्यात्मिक पाक प्राप्त करना है, तो सबके दर्शन अलग अलग हो सकते हैं। शिक्षा को आपने कैसे सोचा, शिक्षा को मैंने कैसे सोचा, ये हमारा इंडिविजुअल फिलोसफी हो सकता है, ये हमारा इंडिविजुअल दर्शन हो सकता है। तो जब हम देखेंगे गांधी जी का शिक्षा दर्शन, तो इसका मतलब यह कि गांधी जी ने शिक्षा को कैसे देखा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। जब हम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को देखेंगे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने शिक्षा को कैसे देखा, शिक्षा को कैसे माना, ठीक वैसे जब हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे उन्होंने शिक्षा को कैसे माना, उनका शिक्षा दर्शन क्या था, तो वन बाई वन देखेंगे। पहले शुरू कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता है, महात्मा गांधी न केवल एक राजनीतिक व्यक्ति थे, अपितु तो जीवन और समाज में अनेक क्षेत्रों में उनकी अमूल्य भूमिका रही है, अमूल्य उनकी देन रही है, अमूल्य उनका कर्तव्य रहा है। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया, और इसमें शिक्षा एक प्रमुख स्थान है। वह एक श्रेष्ठ विचारक थे, बुनियादी शिक्षा प्रणाली में उनके शैक्षिक विचारों का एक व्यवहारिक रूप है। समझ में आ गई बात? अब आइए इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, गांधी जी ने शिक्षा के अर्थ को क्या माना। इनके अनुसार दोस्तों एक शब्द आता है सर्वांगीण विकास, इसको याद रखिएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर कंप्लीट डेवलपमेंट, इसका मतलब मन, शक्ति, आत्मा, हर एक प्रकार का विकास। ठीक है, गांधी जी का विचार था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। अब वो शिक्षा को क्या मानते थे, वो मात्र साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते। साक्षरता का मतलब जैसे कोई पढ़ा लिखा हो गया, कोई पढ़ सकता है, लिख सकता है, वही शिक्षा नहीं है। गांधी जी कहते थे केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी स्वीकार नहीं करते थे। वो ये भी नहीं मानते थे कि हमें चीज का ज्ञान हो गया मतलब हम शिक्षित हो गए। तो साक्षरता या ज्ञान का होना शिक्षा नहीं मानते थे, वो क्या मानते थे,
गांधी जी शिक्षा में न तो साक्षरता को स्वीकार थे न ही ज्ञान को। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा पर पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। मतलब आपको ज्ञान है, आप पढ़ना लिखना जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हैं। आप शिक्षित कब कहलाएंगे, जब आपका कंप्लीट विकास होगा, आपकी सोच बेहतर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका सर्वोत्तम विकास का मतलब आपके शरीर का बेहतरीन विकास हो जाएगा, आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, शारीरिक अच्छे व्यक्ति। आपके मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, मतलब आपके मन एकदम शांत हो जाएगा, मस्तिष्क दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, सोच आपकी सही हो जाएगी। और आपका आत्मा, आत्मा मतलब प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, ईमानदारी, सच, इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेगा, तब जाके आपको कहा जाएगा कि हाँ अब हम शिक्षित हैं। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को ये कहा कि बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, मतलब कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गए दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। चलिए अब देख लेते हैं कि इनका कुछ आधारभूत सिद्धांत थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का मतलब क्या होता है। देखिए इन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। इन्होंने माना कि सभी बच्चों को अनिवार्य होना चाहिए, मतलब सबको पढ़ना ही पढ़ना है और निःशुल्क हो 7 से 14। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा विद्यार्थियों की समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। शिक्षा द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक एक रोजगार व्यक्ति बन सके, रोजगार का साधन प्राप्त कर सके। शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षा के द्वारा। समझ में आ गया, इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन सारी शक्तियों को प्रोत्साहित करे, इन सारी शक्तियों का विकास करे। ये हम देख रहे हैं दोस्तों आधारभूत सिद्धांत, उन्होंने बेसिक यहाँ पे प्रिंसिपल्स माना है, ये सिद्धांत तो होने चाहिए, ये प्रिंसिपल तो होने चाहिए बच्चों के शिक्षा में, और ये शिक्षा का सिद्धांत है। शिक्षा के बालक शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास, सामंजस्यपूर्ण मतलब एक दूसरे से रिलेशंस कंट्रोल और रिलेशंस कोऑपरेशंस के साथ उनका विकास करें। समझ में आ गया। चलिए शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तलिपि से प्रारंभ होनी चाहिए जो बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाए। शिक्षा के साथ साथ एक कुछ उन्हें ऐसी स्किल्स सिखानी चाहिए, ऐसी कला सिखानी चाहिए जो वो आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार का साधन प्राप्त कर सके। शिक्षण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, मतलब जो रियलिस्टिक है, जिससे चीज़ें रिलेट कर सके बच्चा, उसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। तो ये सारा क्या था दोस्तों, महात्मा गांधी का शिक्षा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल बताया, यह उनको आधारभूत सिद्धांत तो होनी चाहिए, इसी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ तक हो गई बात दोस्तों गांधी जी के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें लिख पा रहे हैं? बिल्कुल सही। महात्मा गांधी की शिक्षा का अर्थ को आपने समझा कि संपूर्ण विकास, शरीर मस्तिष्क और आत्मा का विकास, और ये सारे उनके कॉन्सेप्ट थे। जैसे 17 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, रोजगार के लिए शिक्षा, हर एक आत्मा मन शक्ति का विकास दोस्तों, और स्वाविलंबी बनाना, और क्या दोस्तों, और उनके लिए एक समस्त मानवीय गुणों का विकास करना। तो ये सारी चीज़ें हुई उनके आधारभूत सिद्धांत। अब आइए गांधी जी के शिक्षा संबंधित विचार की वर्तमान प्रासंगिकता, वर्तमान प्रासंगिकता, अगर उस तरह का विचार, उस तरह की सोचो, इसका वर्तमान में क्या फायदा, या फायदा या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से आप इसे कैसे तौलते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में भारतीय समाज की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है व्यक्ति की भ्रष्टाचार, मतलब आप समझ देंगे सेल्फिश होना, स्वार्थी होना, भ्रष्टाचार, ये एक चीज़ है जिसे आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। बढ़ती हुई स्वार्थवादी प्रवृत्ति, वादी प्रवृत्ति का मतलब खुद के बारे में सोचना, और नैतिकता का ह्रास, नैतिकता का ह्रास का बेस्ट एग्जाम्पल जो दिल्ली में घटना हुई, एक बच्ची के साथ एक निर्मम उसकी उसके साथ व्यवहार हुआ, उसकी हत्या हुई, लेकिन लोग देखते रहे, कितनी अनैतिकता बात है कि आपके सामने कोई किसी को मार रहा है और हम खामोश रह रहे हैं, कितनी बड़ी स्वार्थ बात है। देखिए ऐसे शिक्षा द्वारा नैतिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो जो बच्चों के अंदर नैतिकता की भावना होगी, उनके अंदर सब की भावना होगी, स्वार्थ की भावना खत्म होगी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐसे चीज़ें घटनाओं को रोक सकते हैं। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में महत्व देने का विचार भी प्रासंगिक है, मतलब सही है, इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहेगी और नामांकन दर में वृद्धि होगी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से जुड़ेंगे। साथ ही साथ शिक्षा में अगर हस्तलिपि तथा कौशल से जुड़े जाने से बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या का समाधान होगा तथा भारत की जनसंख्या लाभांश का लाभ उठा सकी। सही बात है, मतलब अगर हम हस्तकला से जोड़ देते हैं, अगर हम स्किल्स से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, शिक्षा के बाद बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात कही गई थी कि 8वीं कक्षा के बाद, गांधी जी का मानना था कि 8वीं कक्षा के बाद आप अंग्रेजी में शिक्षा दीजिए, तो बात यहाँ पे थोड़ा सा वर्तमान प्रासंगिकता में सही नहीं है, क्योंकि अगर हम 8वीं कक्षा के बाद अंग्रेजी में प्रदान करें
की बाध्यता वर्तमान समय प्रासंगिक नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में शिक्षा, जैसे मान लीजिए गांधी का मानना था कि 7 तक आप हिंदी में दीजिए, मातृभाषा में दीजिए, हिंदी में दीजिए, उसके बाद इंग्लिश में। अब अगर केवल हिंदी में देंगे तो कुछ क्षेत्रीय भाषा वहाँ से प्रभावित होंगी, और अभी वर्तमान में आपको स्टार्टिंग में ही इंग्लिश की शिक्षा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता नहीं है, बाकी सारे विचारों का प्रासंगिकता है। तो आपको अपने वर्तमान जीवन में या वर्तमान समय में उनके महत्व का, उनके कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशन है, क्या सोचते हैं, आप उसको व्याख्या करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब आइए पाठ्यक्रम, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए। तो उन्होंने पहली कई आधारभूत शिल्प, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बच्चों को स्किल्स सिखाए। स्किल्स का मतलब कटाई बुनाई, कृषि, कास्ट कला, चर्म का कार्य, मिट्टी का काम, मछली पालन इत्यादि। उन्होंने ये माना जैसे सूती का कपड़ा, सूती का काम, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। उन्होंने माना कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ इन स्किल्स की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में उन्होंने मातृभाषा का प्रयोग किया, गणित को माना, सामान्य विज्ञान में उन्होंने जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, नक्षत्र ज्ञान और गृह ज्ञान, होम साइंस, नक्षत्र ज्ञान मतलब हमें तारों और सितारों का विज्ञान। उन्होंने माना कि इन सारी चीज़ों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर। कला में ड्राइंग और संगीत, हिंदी जहाँ यह मातृभाषा ना हो वहाँ भी हिंदी भी पढ़ाई जाए। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शारीरिक शिक्षा में खेल कूद और व्यायाम की भी शिक्षा दी जाए। तो उनके अनुसार ये सारी चीज़ें क्या थी, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम। उन्होंने शिक्षा के बारे में इतनी सारी कुछ कहा। और दोस्तों सवाल यहीं से पूछता है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या करिए, उनके आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करिए, कभी कभी पूछ लेगा कि उनके पाठ्यक्रम की व्याख्या करिए, या कभी कभी उनसे पूछ लेगा वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। तो इसी से सवाल आपको आना है, आप डेफिनेटली इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी टैगोर। देखो इंग्लिश में इसको टैगोर कहते हैं, हिंदी में इसको ठाकुर कहते हैं, और हमने भी हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर ही कहा है। आप जब विकिपीडिया खोलेंगे तो इंग्लिश में उनको टैगोर लिखा है, क्योंकि माना जाता है कि अंग्रेज वो ठाकुर नहीं कह पाते थे, उसको टैगोर ठाकुर कह देते हैं, टैगोर, और वहाँ से वो टैगोर बन गया, और हम भी इसको क्या कहते हैं, टैगोर ही कहने लगे। तो हालांकि हिंदी में इनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है, अभी भी आप विकिपीडिया चेक करेंगे तो वहाँ से मिलेगा, मगर ये ठाकुर या गुरुदेव के नाम से भी क्या है, बहुत यह प्रसिद्ध है। और गुरुदेव की उपाधि किसने, अच्छा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, और गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। चलिए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी करता, शिक्षा का अर्थ क्या है, इन्होंने शिक्षा का अर्थ क्या माना, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ क्या माना था, मन और आत्मा का कंप्लीट विकास, ठीक है, उन्होंने माना था। इनको देखते हैं, गुरुदेव भारत के एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो वातावरण के निकटतम संपर्क में दी जाए, ठीक है। वह समझते थे कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन से व्यक्ति के एकत्व की भावना का विकास है। सुसंयोजित व्यक्ति के लिए यह एकत्व की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण समझते थे। वह चाहते थे कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थी में यह क्षमता विकसित हो जाए कि वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे और समाज के साथ मनुष्यता व्यवहार। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने प्रकृति के बारे में, मतलब एकत्व के बारे में कि हम संसार से को जोड़ सके, प्रकृति से जोड़ सके, उन्होंने शिक्षा का अर्थ ये माना, ठीक है। अब आइए, इन्होंने क्या आधारभूत सिद्धांत दिए दोस्तों, इन्होंने आधारभूत सिद्धांत में कहा बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में के माध्यम से होनी चाहिए। सेम बात है महात्मा गांधी जी ने भी कही थी, शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता मिलना का मतलब वो जिस विषय को प्राप्त करना चाहता है, जिस विषय को पढ़ना चाहता है पढ़ सके, जिस स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहता है पढ़ सके। स्वतंत्रता मतलब एक ये भी हो कि जरूरी है कि वो सुबह ही पढ़े, शाम को पढ़े, जब उसकी मर्जी वो पढ़ सके। बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति, देखो गुरुदेव जी स्वयं एक कला के बहुत निपुण व्यक्ति थे, ये खुद गीत संगीत के माध्यम में बहुत आगे थे। तो इन्होंने क्या कहा, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए बच्चों को, खुद से प्रकाश। बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब जो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए ना, मस्त एकदम पार्क में या फिर पेड़ पौधों के पास बगीचे में बैठा के शिक्षा दें, कोई जरूरी नहीं कि भवन में या किसी घर में। तो उनका मैंने बताया कि शिक्षा को प्रकृति से उन्होंने बहुत जोड़ा, प्रकृति से उन्हें बड़ी प्रेम थी। तो उनका मानना था कि बालक की शिक्षा नगरों से दूर, किसी स्कूल से दूर, शहर से दूर, बगीचे के अंदर बैठा के उनको बच्चों की शिक्षा, शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही बात कही थी, बालक को प्रकृति वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये उनका क्या था भाई, ये उनका बेसिक प्रिंसिपल था, आधारभूत सिद्धांत। अब आइए टैगोर के अनुसार शिक्षा की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के अनुसार शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से है जो प्रकृति की गोद में स्वस्थ एवं
प्रशांत प्रसन्नचित होकर विकास करता है। उनका मानना था दोस्तों कि हमारा शरीर मन और आत्मा जो विकास है ना वो प्रकृतिक में ही हो सकता है, प्रकृति की गोद में ही बैठ के हो सकता है, वो प्रकृतिक से बड़ा प्रेम करते थे। तो ये हो गए दोस्तों ठाकुर जी की उनके अनुसार शिक्षा की अवधारणा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख लीजिए, इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा से क्या प्राप्त होना चाहिए बच्चों को, शिक्षा का उद्देश्य ये भी सवाल पूछ लेता है। तो इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जीवन तथा शिक्षा का सामंजस्य रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास, पूर्ण मानव के रूप में विकसित सत्य एकता को कायम रखना, ये सारे वो पॉइंट है जो इनको शिक्षा को उद्देश्य मानते थे कि शिक्षा के बाद एक बच्चे के अंदर ये सारी चीजें, ये सारी विशेषताएं, ये सारे गुण आना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट हम यहाँ से देख लेंगे ठाकुर जी के बारे में कि इन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्या कहा, इनके अनुसार पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें। देखिए टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम को विभिन्न प्रकार के विषय शामिल किए। अब इनके पाठ्यक्रम में क्या हुआ, इनके पाठ्यक्रम में डेफिनेटली प्रकृति की चीज़ें होंगी, संगीत की चीज़ें होंगी, कला की चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। विषय में इन्होंने इतिहास, प्रकृति का अध्ययन, भूगोल, साहित्य इत्यादि रखा। क्रियाओं में इन्होंने नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, ड्रॉइंग, मौलिक रचना इत्यादि इन्होंने रखी, ठीक है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रिया में खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वासन इत्यादि इन्होंने रखा, ठीक है। ये हो गए दोस्तों इनके पाठ्यक्रम के बारे में। अब शिक्षण विधियाँ किन विधियों को, इनको इनके द्वारा किन विधियों के बारे में, देखिए आपसे सवाल में तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, कोई भी एक पूछ सकता है, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर आपके स्वामी विवेकानंद, किसी एक का शिक्षा दर्शन, तो आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट रहेगा आप उतना बेहतर लिख सकते हैं। तो इनके अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, इनके अनुसार दोस्तों देखिए भ्रमण के समय शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। घूम कर सीखना, खेल कर सीखना, देख कर सीखना, भ्रमण इन्होंने बेस्ट माना था। चलिए शिक्षण विधि में बालक को स्वाभाविक रुचियों और आवेगों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण विधि में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी को स्थान मिलना चाहिए। शिक्षण विधि में बालक के अनुभव और सौर इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और बेस्ट इन्होंने माना था कि शिक्षण विधि की सर्वोत्तम विधि बताते हुए लिखा कि भ्रमण के समय शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। भ्रमण करके मतलब आपको अगर कोई चीज़ पढ़ानी हो तो वहाँ पर घूम के आए, खेल के आए, वहाँ पर टहल के आए, इस तरीके से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। ये हो गई कंप्लीट टॉपिक इनके बारे में। अब हम चलेंगे स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में। बस आप देखते चलिए पॉइंट वाइज जो हेडिंग अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब उस पॉइंट के आधार पर आप कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, आप एक बार लिख लीजिएगा। एक बार आप यहाँ पन्नों पर लिख लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स के समय बहुत अच्छा लिख पाएंगे और बहुत अच्छा आपका मार्क्स आ जाएगा, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन देखने के बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा दर्शन क्या। तो सबसे पहले कि शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या कहा था, इनका शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या माना था। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष के ऑब्वियसली बात है अमर सपूतों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद जी। उनकी आध्यात्मिकता की गहराई तथा संपूर्ण मानव मात्र के प्रति उनका प्रेम हमारे देश की धरोहर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके विचार हम से उनकी मानवता के प्रति प्रेम तथा अध्यात्म की भावनाएं दृष्टिगोचर होती है। एक 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 बिल्कुल अमर सपूतों में से एक हैं देश के लिए, उनके जो योगदान है देश के लिए, जो उनके बलिदान है और शिक्षा के लिए जो उनके बलिदान है वो डेफिनेटली हमेशा हमेशा याद रखे जाएंगे। शिक्षा को उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा का अर्थ उन्होंने क्या माना था। उन्होंने माना था दोस्तों कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य के छिपी हुई सभी शक्तियों का पूर्ण विकास है, न केवल सूचनाओं का संग्रह। हमें किसी चीज़ का जानकारी हो जाना ही शिक्षा नहीं है, मनुष्य के छुपी हुई सभी शक्तियों का पूर्ण विकास शिक्षा है। उनके अनुसार यदि शिक्षा का एक अर्थ सूचना से होता है, अगर उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए सूचनाओं को इकट्ठा करना ही अगर शिक्षा है तो फिर पुस्तकालय संसार का सर्वश्रेष्ठ संत होता तथा विश्वकोश में ऋषि बन जाते। तो जो लाइब्रेरी है वही बेस्ट संत होते हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा किताबें हैं, उनके पास हर एक इन्फॉर्मेशन है लाइब्रेरी में। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या माना था, उन्होंने माना था कि संपूर्ण शक्तियों का विकास, उनके अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। उन्होंने माना था कि जो भी गुण हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर हैं, बस हम उस शिक्षा के माध्यम से उसका विकास कर देना है, शिक्षा के माध्यम से उसे प्रकाशित कर देना है, शिक्षा के माध्यम से हम उसे बाहर लेके आ जाना है। तो ये उन्होंने माना था शिक्षा का कॉन्सेप्ट। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके लिए रखा गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और इसके आसानी से इसी तरीके से एग्जाम में आप लिखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इनके अनुसार शिक्षा दर्शन की आधारभूत सिद्धांत क्या है। ठीक है, हम देख रहे थे ना तीनों व्यक्तियों को देखा हमने,
तो इनके अनुसार भी देखते हैं कि शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। शिक्षा ऐसी हो जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, यह सभी 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 दार्शनिक विचारकों ने कहा, सभी दर्शन शास्त्रों ने कहा। शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र का गठन करे, मन का बल बढ़े, वृद्धि का विकास हो तथा आत्मनिर्भर बने। दोस्तों व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, ये भी हर एक दार्शनिकों ने कहा। बालक के समान बालिकाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। डेफिनेटली इनके शिक्षा दर्शन का ये कॉन्सेप्ट था कि बालक के अनुसार बालिकाओं को भी शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तक से नहीं वरन व्यवहार, आचरण एवं संस्कार के माध्यम से दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि धार्मिक शिक्षा भी दीजिए, लेकिन केवल पुस्तक से नहीं, उनके व्यवहारों से। अगर किसी को सच बोलना है तो आप अपने व्यवहार में सच सच लाइए, सच्चाई लाइए और उस व्यवहार को सिखाइए कि सच से कितना फायदा है। ईमानदारी, प्रेम, नैतिकता, इंसानियत, सद्भावना, ये सारी चीजें आप क्या करिए, व्यवहार से सिखाइए। धर्म की शिक्षा देना है तो व्यवहार से सिखाइए, ठीक है, इन्होंने माना था। पाठ्यक्रम में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों रखने चाहिए, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। ये बड़े आध्यात्मिक को बढ़ावा देते थे, ईश्वर की प्राप्ति, देश प्रेम, ये सारी चीजें बहुत इनके अंदर थी, तो ये आध्यात्मिक को भी बढ़ावा देते थे। शिक्षा गुरुगृह से ही प्राप्त की जा सकती है, मतलब गुरुगृह से, घर से ही प्राप्त की जाती है। घर में जो व्यक्ति हैं आपके गुरु के समान है, उनसे भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक तथा छात्र में आदर तथा गरिमामय संबंध होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली। सभी को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। नारी शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए और देश की औद्योगिक प्रगति के लिए सर्वाधिक शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। तो ये इनका क्या है दोस्तों, शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन फिलोसफी है शिक्षा दर्शन के, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। अब इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों, तो कुछ उद्देश्य तो बहुत कॉमन है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक बौद्धिक विकास, समाज सेवा की भावना, नैतिक और चारित्रिक विकास, ये सभी दर्शन शास्त्र। देखो ये एक कॉन्सेप्ट होता ही है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके अंदर नैतिकता आनी चाहिए, उसके अंदर इतनी सोच समझ आनी चाहिए कि सही और गलत का फैसला ले सके। व्यवसायिक विकास, इसको भी सबने माना। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुता की का विकास, धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक का विकास, इन्होंने इन पॉइंट्स को भी माना। ये सारी चीजें दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य होनी चाहिए, समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में इन्होंने किसको फोकस किया, अनुकरण विधि, मतलब बच्चा देख के सीखे, शिक्षक को ऑब्जर्व करके सीखे, नकल करके सीखे। व्याख्यान विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड, लेक्चर मेथड जिसको कहते हैं, टीचर आए लेक्चर दे, बच्चों को समझाए। तर्क एवं विचार विधि, विचार विमर्श विधि, ठीक है, लॉजिकल और डिबेट जिसको कहते हैं, डिबेट मेथड। निर्देशन और परामर्श विधि, प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि, स्वाध्याय विधि, खुद से पढ़कर सीखना, और योग विधि। तो ये सारी विधियाँ क्या है दोस्तों, ये सारी विधियाँ हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षण की विधि, ठीक है। ये एक एक पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक एक पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप, मैं ऐसा करता हूँ, अनुकरण का मतलब देख के सीखना, ठीक है, कोई आप, आपके सामने बच्चा बैठा है, आप वो कर रहे हो और वो बच्चा सीख रहा है। व्याख्यान मतलब लेक्चर, हालांकि ये जो मेथड है वो लेक्चर मेथड कह सकते हैं, क्योंकि मैं बस बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, फिर उसके बाद आपने शब्द, तो ये एक लेक्चर मेथड हो जाएगा व्याख्यान विधि। तो अगर आपसे पूछता है कि शिक्षण विधियों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वन बाई वन आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देना है। बाकी मैंने आपको पॉइंट, हालांकि देखिए पूछता कैसे सवाल है ना, यहाँ पे शायद मेरी वीडियो समाप्त होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो समाप्त होने वाली है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि सवाल कैसे पूछता है, सवाल कैसे पूछेगा दोस्तों। अक्सर आपसे सवाल इसी प्रकार से पूछेगा कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या करिए, या फिर महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के, किसी एक का शिक्षा दर्शन के बारे में पूछेगा और फिर कोई एक टॉपिक दे देगा, जैसे उनके आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करिए, उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करिए, या फिर उनकी शिक्षण विधियों के बारे में की व्याख्या करिए। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा। जब भी सवाल पूछिए आपसे, पहले आपको इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा डालना है, प्रकाश डालना है कि कैसे इनके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करें, फिर उसके बाद इनके शिक्षा के कॉन्सेप्ट, शिक्षा की अवधारणा, और उसके बाद जो पूछे अगर उद्देश्य पूछता है तो उद्देश्य डाल दीजिए। और ये देखिए, याद रखिए, ये अक्सर आपसे 15 नंबर में सवाल पूछता है, कभी कभी 8 में पूछ देगा, लेकिन 15 नंबर के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 8 नंबर के लिए तो है ही, और एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन तीनों के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर अभी क्या बच गया है, अभी कुछ नहीं बच गया है, अभी आपको बस लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो ये सब तो कर लीजिए, कहना नहीं पड़े। देखिए मैं वैसे भी अंत में एक रिक्वेस्ट आपसे कर देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मुझे लगता है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा, आपको लगता है मेरी शिक्षण विधि या टीचिंग स्किल्स आपको पसंद आएगी, आपके लिए सहायक होगा, तो आप स्वयं ही कर देंगे, इतना कहने की जरूरत नहीं है। बाकी एक शिक्षक को और क्या चाहिए, मतलब ना कोई फीस, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ,
आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में सर्च करेंगे बीएड के, तो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज के कुछ ऐसे चैनल जो पेड कोर्सेज लाते हैं, और मेरा शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है कि कभी मैं इसे पेड नहीं करूंगा, कभी इसे इसको पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाऊंगा कि मैं आपसे पैसे कमाऊं। हालांकि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, वो इनडायरेक्टली मिलते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पैसे कमाऊं ये कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहा, तो ऐसा कोई इलाज नहीं है। बाकी हाँ, मुझे खुशी होगी अगर मेरे चैनल पे कुछ बच्चों की संख्याएं होंगी, इस वीडियो पे लाइक होगा, इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, तो मुझे खुशी होगी। सो एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मैं कर रहा हूँ, बच्चे इसकी सराहना करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, कमेंट में अपने बारे में जरूर बताएं, इस वीडियो के बारे में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लें, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और एक काम कर दीजिएगा, आपका जो कॉलेज ग्रुप है उस कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बताइए करेंगे आप, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे। बाकी इसके पहले के जो भी वीडियोस रहे हैं मैराथन, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आपको जो सही लगे जहाँ पे आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई परेशानी, कोई सुझाव, कोई शिकायत हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी जुड़ के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।